गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, है ना। जैसा कि आपके पास नरेशन का पार्ट वन जा चुका था, उसमें हम लोग ने डिस्कस किया था चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस एंड चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। आगे हम लोग डिस्कस अब कर रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नरेशन किस प्रकार बनाया जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में कन्फ्यूजन होता है, तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। बोर्ड पे जैसा लिखा हुआ है, आपका नरेशन बेस्ड ऑन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे आधारित नरेशन। कहता है यदि इन्वर्टेड कॉमास के भीतर इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहे हो, तो पता चल जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट्स विथ ऑक्सिलरी वर्ब, तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए निम्न तरीके, निम्न का मतलब नीचे दिया गया तरीका को अपनाना है। क्या क्या तरीका है? स्टेप वन कहता है रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क में बदल दें। सबसे पहला चीज, हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क में बदल देंगे, कब? जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा तब। स्टेप टू कहता है कि इन्वर्टेड कॉमास के बदले डेट का प्रयोग ना करें, जो कि नॉर्मली हम लोग सेंटेंस में करते आ रहे थे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा के लिए डेट का प्रयोग नहीं करना है। स्टेप थ्री कहता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसी एनोमेलस फाइनाइट से शुरू हो। सर, ये एनोमेलस फाइनाइट क्या होता है? तो एनोमेलस फाइनाइट वही 24 ऑक्सिलरी वर्ब से अगर स्टार्ट रहे, एम इज आर वाज वर डू डज डिड, तो इनवर्टेड कॉमा के बदले आपको प्रयोग करना है इफ और बेदर का। अभी तक हम लोग यूज करते आ रहे थे इनवर्टेड कॉमा के बदले डेट का, लेकिन जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहे तो इनवर्टेड कॉमा के बदले चाहे तो आप इफ का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे तो आप बेदर का प्रयोग कर सकते हैं। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। जल्दी नोट कीजिए डियर स्टूडेंट इसको। आइए डियर स्टूडेंट देखते हैं, स्टेप थर्ड तक हम लोग देख लिया। स्टेप फोर कहता है आपका कि इंट्रोगेटिव वर्ब फॉर्म को एसर्टिव वर्ब फॉर्म में बदल दें, यानी जो इंट्रोगेटिव फॉर्म दिया हुआ रहेगा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, उसको आपको बनाना है एसर्टिव वर्ब फॉर्म में। कहता है और इनडायरेक्ट स्पीच के लिए जो सामान्य नियम हैं उन्हें अप्लाई कर पूरे वाक्य को इनडायरेक्ट स्पीच में बदल दें, यानी एसर्टिव फॉर्म बना के फिर जो नरेशन का रूल आपने सीखा है उसको अप्लाई करना है। तो अब आता है कि सर असर्टिव कैसे बनाया जाता है, तो देखिए आपके लिए सारा व्यवस्था है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ बढ़िया से पढ़ें। कहता है हाउ टू मेक असर्टिव, असर्टिव कैसे बनाया जाता है। आपके पास अभी देखिए स्क्रीन पे चार एग्जांपल दिख रहा है आपका। तो फर्स्ट देखिए, कहता है डू यू लव मी, कहता है यहाँ पे कि जब डू डज और डिड, जब डू डज डिड बिना नोट के दिया हुआ रहे, तो डू को रिमूव करके क्या अप्लाई कर देंगे, भी वन, डज को रिमूव करके भी फाइव, और डिड को रिमूव करके भी टू कर देंगे। ऐसा कब करेंगे, जब बिना नोट के दिया हुआ रहेगा। तो यहाँ देखिए सेंटेंस में नोट नहीं लगा हुआ है, डी को रिमूव कर दिए, बच गया क्या, सिर्फ बच गया आपका यू लव मी। फिर सेकेंड में भी देखिए आपका नोट नहीं लगा हुआ है, तो डिड हटा के क्या लगाना है आपको, डिड हटा के भी टू, तो पहले तो सी होगा, नो का भी टू क्या होगा डियर स्टूडेंट, न्यू, बच गया क्या, हिम। और ये भी ध्यान रखना है जब एसर्टिव बना दिए तो क्वेश्चन मार्क के बदले क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए डज ही रीड, ये भी बिना नोट के है, तो डज हटाएंगे तो क्या होगा, डज हटाएंगे तो भी फाइव, तो हो जाएगा आपका ही और रीड का भी फाइव रीड्स हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए सर जब नोट दिया हुआ रहेगा तो क्या करना है, सिर्फ एडजस्ट कर देना है सेंटेंस को, उसमें कुछ भी रिमूव नहीं करना। जैसे डू यू नोट गो, तो इसका हो जाएगा आपका यू डू नोट गो। जैसे रहता आपका दिया हुआ है ना, डज सी नोट हेट मी, डज सी नोट हेट मी, अब यहाँ जब नोट लग गया तो ना ही डू को रिमूव करेंगे, ना ही डज को, ना ही डिड को, सिंपली इसको अरेंज कर देंगे क्या, सी उसके बाद डज उसके बाद नोट फिर क्या हेट फिर करना है मी, और लास्ट में नोट ऑफ इंट्रोगेशन के लिए फुल स्टॉप करना है डियर स्टूडेंट। आइए कुछ और एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं, नोट कीजिए इसको जल्दी से आप। आइए देखिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग क्लियर करते हैं। जैसे अब वो तो अभी चल रहा था, अब आर यू पुअर रहे तो क्या करना है, सिंपली एडजस्ट कर देना है आपको यू आर, पुअर कर देना है, हैव यू ईटन, सिंपली एडजस्ट कर देना है आपको यू हैव ईटन, कुछ भी इसमें चेंज नहीं होना। जैसे अब डू बी लव यू, फिर डू आ गया तो डू को सिर्फ रिमूव कर देना है क्योंकि बिना नोट के है, तो हो जाएगा आपका बी लव यू और क्वेश्चन मार्क को फुल स्टॉप में बदल देंगे। अब देखिए नोट के साथ डज है तो हटाना नहीं है, डू भी नोट के साथ रहता तो उसको हटाना नहीं, कर देते बी डू नोट लव यू। जैसे इसको करेंगे सी फिर डज नोट
गो देयर, इस प्रकार से व्हाट इज योर नेम। देखिए डब्ल्यू एच वर्ड भी इसके तुरंत बाद हम लोग सीखेंगे, तो जब ऐसा रहेगा तो इसका असर्टिव व्हाट इज योर नेम तो कर देंगे, डब्ल्यू एच जो रहेगा उसके बाद पहले सब्जेक्ट आ जाएगा व्हाट योर नेम और फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा लास्ट में फुल स्टॉप। फिर से हाउ विल यू गो, तो डब्ल्यू एच वर्ड जो है वही, फिर सब्जेक्ट आएगा पहले यू, फिर क्या होगा विल, फिर क्या होगा गो, फिर व्हेन डिड ही कम। अब देखिए डिड बिना नोट के आ गया, जहां डू डज डिड बिना नोट के देख लिए, सिर्फ डू डज डिड को देखना है, दूसरा कोई भी चीज को नहीं। जब डू डज डिड बिना नोट के रहे तो डू को हटा के भी वन अप्लाई करेंगे, डज को हटाकर भी फाइव अप्लाई करेंगे और डिड को हटाकर भी टू अप्लाई करेंगे, ये चीज देखना है। तो है जैसे व्हेन डिड ही कम, तो व्हेन का व्हेन ही हो जाएगा आपका, ठीक है। डिड हट गया तो पहले सब्जेक्ट, व्हेन ही कम का भी टू क्या होगा डियर स्टूडेंट्स केम, हु आर यू का हो जाएगा हु, फिर पहले क्या आएगा सब्जेक्ट हु यू आर, नेक्स्ट देखना है हु किल्ड द बर्ड, तो इसका तो चेंज करेंगे, हु द बर्ड किल तो मीनिंगफुल सेंस ही नहीं आ रहा है, तो डायरेक्ट हो जाएगा सेम हु किल्ड द बर्ड। कंसेप्ट को समझिए, जैसे हु हैज बीटन यू, हु यू हैज बीटन तो होगा नहीं, सिंपली कर दीजिए हु हैज बीटन यू, सिर्फ नोट ऑफ इंट्रोगेशन चेंज हो जाएगा फुल स्टॉप। इस प्रकार से असर्टिव हुआ। अब हम लोग थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, उसके बाद हम लोग देखेंगे डब्ल्यू एच वर्ड का। जल्दी कीजिए डियर स्टूडेंट, आइए डियर स्टूडेंट कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं जो हमने सीखा है। सबसे पहले देख लेते हैं He said to me, are you poor? यानी इन्वर्टेड कॉमा में क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया, यानी एनुमेलस फाइनाइट से है। तो फर्स्ट रूल कहता है कि जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिया रहेगा इसका बना देना है आपको assertive। तो इसका assertive क्या बन जाएगा डियर स्टूडेंट्स, देखिए यू को सिर्फ आगे कर दिया, आर को रिप्लेस कर दिया, बन गया इसका assertive। अब इसी पर नरेशन चलेगा, ही क्या हो गया सब्जेक्ट, सेड टू क्या हो गया रिपोर्टिंग वर्ब किस में पास्ट में, जब पास्ट में होता है तो चेंज ऑफ टेंस। मी क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट, यू कौन सा पर्सन हो गया आपका डियर स्टूडेंट्स, यू कौन सा पर्सन है सेकेंड पर्सन। बाकी चलिए ही के लिए ही, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो रिपोर्टिंग वर्ब को किस में चेंज करने के लिए बोला गया आपको आस्क्ड में, ठीक है। मी के लिए मी, इन्वर्टेड कॉमा के लिए डेट का प्रयोग करते थे नॉर्मली सेंटेंस में, लेकिन जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहे तो आप इच्छा अनुसार इफ या वेदर कर दें। चलिए इफ ही कर लेते हैं इफ। अब यू कौन सा पर्सन हो गया सेकेंड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हम लोगों ने सीखा, तो यू सब्जेक्ट है तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा आई, एम इज आर का क्या होता है वाज वर, तो आई के साथ वाज लगेगा, पुअर का पुअर, इस प्रकार से बनता है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए, सर स्टार्ट कर दिए इधर से, ऐसे ही करना है क्या, जी नहीं किधर से भी स्टार्ट रहे आपको कंफ्यूज करता है सिर्फ, ठीक है बनाना जैसे है वैसे ही बनाएंगे हम लोग। देख लिए द गर्ल सब्जेक्ट हो गया, सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब किस में पास्ट में हो गया, हिम क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट, यू क्या हो गया सेकेंड पर्सन, सबसे पहले इसका हम लोग बना लेते हैं असर्टिव, तो केबल क्या हो जाएगा यू कैन, बाकी सेम चीज रहेगा ब्रेक दिस लॉक। अब आइए बनाते हैं हम लोग द गर्ल के लिए क्या होगा डियर स्टूडेंट, द गर्ल हो जाएगा सेड टू, क्योंकि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो सेड टू के लिए आस्क्ड हो जाएगा। हिम का क्या हो जाएगा हिम, इन्वर्टेड कॉमा के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इफ या वेदर जो आपको अच्छा लगे वो लगा दीजिए, द गर्ल आस्क्ड हिम इफ या वेदर, कोई ऑब्जेक्शन नहीं कि ये लगाना है, ठीक है। अब यू कौन सा पर्सन हो गया सेकेंड, देखिए जो असर्टिव बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग चलना है, यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है हिम, हिम के लिए क्या हो जाएगा ही, कैन का पास्ट क्या बनाते हैं कुड, ब्रेक का ब्रेक, फिर दिस का क्या होता है चेंज ऑफ अदर पार्ट सुपोजिशन में दिस का डैट, लॉक का लॉक, लास्ट में फुल स्टॉप, इस प्रकार करते हैं डियर स्टूडेंट। आइए नेक्स्ट फिर करते हैं, जब सेंटेंस में डू डज डिड बिना नोट के रहे तो इसका एसआरटी बनाना बिल्कुल आसान, सिर्फ डू को रिमूव कर दिए, डू वाला और भी आसान, कोई चेंज नहीं करना है, डू रहे तो सिर्फ रिमूव कर दीजिए, बाकी सब वो एसआरटी फॉर्म अरेंज है। तो आइए देखते हैं ही के लिए क्या हो जाएगा ही, सेट टू के लिए क्या हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो आस्क्ड हो जाएगा, हर के लिए क्या होगा हर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इन्वर्टेड कॉमा के लिए इफ कर देंगे, यू कौन सा पर्सन सेकेंड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, हर के लिए क्या होगा डियर स्टूडेंट सी, अब देखिए यहाँ पे भी वन है तो भी वन को चेंज करना है भी टू में, तो सी थॉट, इट का इट, मे का क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट
माइट, रेन का क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, रेन टूडे का, आप पढ़े हैं चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में, टूडे का डेट डे हो जाता है डियर स्टूडेंट्स। इस प्रकार से इसको आइए दो तीन एग्जाम्पल और देके क्लियर करते हैं। आइए देखते हैं डियर स्टूडेंट और एग्जाम्पल, इसके बाद फिर हम लोग डब्ल्यू एच वर्ड में चलेंगे। पहले इसका असर्टिव बना दीजिए, तो असर्टिव क्या बन जाएगा, वाच के स्थान पे आई कर देना है ना, और आई के स्थान पे बाज बन गया इसका असर्टिव, ठीक है। अब देखते हैं ही के लिए क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा सेट टू के लिए, इंट्रोगेटिव है तो सेट टू के लिए, आस्ट हो जाएगा हर के लिए, हर हो जाएगा इन्वर्टेड कोमा के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इफ या बेदर जो आप चाहें, इफ भी लगा सकते हैं बेदर भी लगा सकते हैं। अब देखिए आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जो रूल बताया गया था आपको, तो ही। वाजबर के लिए चेंज ऑफ टेंस, क्योंकि रिपोर्टिंग भर पास्ट में है तो चेंज ऑफ टेंस, वाजबर के लिए क्या बताया गया था, हैड बीन, ध्यान देना है हैड बीन, बाजबर के लिए हैड बीन, लेकिन यहाँ नोट भी है तो नोट उसके बाद बीन करेंगे, ध्यान देना हैड बीन नोट कर दीजिएगा गलत हो जाएगा। हर एक स्टेप को समझिए, लेट हो लेकिन समझिए, ही हैड नोट बीन, हेल्पिंग का हेल्पिंग ही हो जाएगा। यू कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, हर के लिए क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, हर के लिए हर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका असर्टिव भी बनाइए क्या हो जाएगा, यू बिल, बाकी सेम चीज वही रह जाएगा, नोट गो टू पटना। अब देखिए ही के लिए ही हो जाएगा, सेट टू के लिए आस्ट हो जाएगा, मी के लिए मी, इन्वर्टेड कॉमा, इफ क्यों हुआ, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, यू सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट मी के लिए, आई, बिल का क्या हो जाएगा, वुड नॉट गो टू पटना। नहीं देखते हैं बहुत सारा, मैं आपका रियल आस्ट रहेगा तो उसको भी चेंज करना है, नहीं जो है वही, इसका एसर्टिव पहले बना दिए तो यू आर सॉरी फॉर व्हाट यू डिड यहाँ कर देना है, यहाँ पे देखिए यू सेकेंड पर्सन है और डिड यहाँ पे भी टू है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं, डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब किसी के साथ रहेगा, कोई ना कोई आगे तो चाहिए ना मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो इसलिए वो भी टू है डायरेक्ट। सी के लिए सी कर दिए, आस्ट के लिए आस्ट कर दिए, मी के लिए मी, इन्वर्टेड कॉमा, इफ, यू सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट मी के लिए, आई, एम इज आर का, वाजबर, सॉरी, फॉर, व्हाट का, व्हाट। अब देखिए यू सेकेंड पर्सन फिर से ऑब्जेक्ट के अनुसार मी के लिए, आई, अभी टू के लिए होता है हैड प्लस भी थ्री, तो डिड का भी थ्री क्या होगा, डू, डिड, डन। इस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस का समापन होता हुआ इसी वीडियो में आपको हम डब्ल्यू एच बट थोड़ा सा समझना है उसको, बाकी सेम रूल जो है इंट्रोगेटिव के जैसा, जल्दी कीजिए। और आप लोग वीडियो देखने के बाद लाइक नहीं करते हैं, शेयर भी कर दिया कीजिए और कमेंट तो ज़रूर कीजिए आप, ठीक है। अच्छा लग रहा हो बुरा लग रहा हो कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर बुरा लग रहा हो तो उसको और हम बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे, अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के बीच में भी करें, और आपके एक सब्सक्राइब से थोड़ा सा मेरा मोटिवेट होता है कि मैं बढ़िया पढ़ रहा हूँ, इसलिए स्टूडेंट्स थोड़ा सा लाइक कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, जल्दी नोट कीजिए, इसी वीडियो में आपका डब्ल्यू एच वर्ड बता रहे हैं। आई डी रेस्टोरेंट देखते हैं, अब कहता है हम लोग इंट्रोगेटिव पढ़ लिए, तो अब है नरेशन बेस्ड ऑन क्वेश्चन वर्ड या डब्ल्यू एच वर्ड सेंटेंस, क्वेश्चन वर्ड कहिए या डब्ल्यू एच वर्ड कहिए, तो इसका क्या स्टेप होता है, सब कुछ मिलता जुलता है, थोड़ा सा एक डिफरेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस से, क्या है रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क में बदल दें, इंट्रोगेटिव में ये था, फिर कहता है इन्वर्टेड कॉमा के बदले, अब यहाँ ये वाला पॉइंट आपको देखना है, डब्ल्यू एच वर्ड के लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्वर्टेड कॉमा के बदले जो क्वेश्चन वर्ड यानी व्हेन दिया रहे, द व्हाट, व्हाई, व्हेयर, हु, हाउ, विच, हाउ मेनी, हाउ मच दिया रहे, तो सेम दिया हुआ क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करें, किसके बदले, इन्वर्टेड कॉमा के बदले, जैसे भी बताया गया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया हुआ रहे तो आप इन्वर्टेड कॉमा के बदले इफ या वेदर का प्रयोग करें, लेकिन जब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला सेंटेंस डब्ल्यू एच वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा होता है तो आप इन्वर्टेड कॉमा के लिए बदले ना ही डैट का प्रयोग करेंगे ना ही इफ वेदर का प्रयोग करेंगे, तो सर प्रयोग क्या करना है, आपको प्रयोग क्या करना है, जो डब्ल्यू एच वर्ड दिया रहेगा, जैसे व्हाट दिया रहे तो इनवर्टेड कॉमा के लिए सेम वही कर देंगे, विच रहे विच ही कर देंगे, हाउ मच रहे हाउ मच कर देंगे, हाउ मेनी रहे हाउ मेनी कर देंगे, हु रहे हु कर, यानी जो क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ रहे इनवर्टेड कॉमा के अंदर उसको कर देंगे। और फिर कहता है इनवर्टेड कॉमा के अंदर दिए गए सेंटेंस को असर्टिव फॉर्म में बदले, ये तो हम लोगों ने इंट्रोगेटिव में ही सीख रखा है। अब ये सब रूल्स को हम लोग एग्जांपल्स के जरिए क्लियर करते हैं, जल्दी इसको नोट कीजिए डियर स्टूडेंट, जल्दी कीजिए इसको।
आईडी रेस्टोरेंट देखते हैं आप, डब्ल्यू एच बर्ड जो बताए हैं उसके लिए हम लोग क्या करना है, सबसे पहले कहता है आप देख ले डब्ल्यू एच बर्ड है, जी हाँ डब्ल्यू एच बर्ड, इसका एसआरटी बनाइए, इसका भी एसआरटी सेम है, डू जो जी बिना नोट के है तो इसको तो रिमूव हम लोग कर देंगे, यानी सेंटेंस में हम लोग इसका एसआरटी बनाएंगे व्हाट राम, और डू डज डिड बिना नोट के रहे तो डज हटाएंगे तो भी फाइव, तो ये तो आपका एसर्टिव बन गया, डू का भी फाइव क्या होगा डज। अब आइए देखते हैं ही के लिए, ही हो जाएगा सेड, टू का क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स आस्क्ड, मी का क्या हो जाएगा मी, जब डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू है तो इन्वर्टेड कॉमा के लिए सेम डब्ल्यू एच वर्ड क्या दिया हुआ है व्हाट राम कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन आपको क्या बताया गया है नो चेंज, तो नो चेंज मीन्स राम का राम, और डज है आपका भी फाइव, भी फाइव के लिए होता है भी टू, भी वन या भी फाइव के लिए भी टू, तो डू डज डिड हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। आइए ही सेड टू मी हाउ मैनी टीचर्स आर देर इन योर स्कूल, इसका एसआरटी बनाना है हाउ मैनी टीचर्स, तो जैसे वैसे रहेगा आर के जगह पे है ना, हाउ मैनी टीचर्स आर के जगह पे देयर कर देंगे, इसका एसआरटी हाउ मैनी टीचर्स देयर आर इन योर स्कूल कर देंगे, एसआरटी हमारा बन गया। अब देखते हैं ही के लिए, ही हो जाएगा सेड टू के लिए, आस्ट हो जाएगा मी के लिए, मी हो जाएगा इन्वर्टेड कॉमा के लिए सेम डब्ल्यू एच वर्ड, हाउ मैनी टीचर्स रहे, हाउ मैनी एक्स रहे, हाउ मैनी स्टूडेंट्स रहे, दोनों साथ में बनेगा तो हाउ मैनी टीचर्स, अब कहता है आपका देयर, ठीक है टीचर्स देयर का देयर ही हो जाएगा, एम इज आर का वाज बर, तो देयर के साथ वाज, अभी तो नहीं एस आर टी बन गया, इन का इन, योर सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो यू का योर हुआ तो मी का माई स्कूल का स्कूल, जो समझ गए होंगे उनको बहुत ईजी कंसेप्ट लग रहा है इसलिए मैं आपके सामने बना रहा हूँ। फिर देखिए हाउ आर यू प्रिपेयर, इसका एसर्टिव क्या बन जाएगा, वर के जगह पे यू हो जाएगा, यू के जगह पे वर हो गया, यही इसका एसर्टिव बन गया। अब आगे देखते हैं अली के लिए, अली हो गया, अली के लिए अली हो गया है ना, सेड टू के लिए आस्ट हो गया मी का, मी इन्वर्टेड कॉमा सेम डब्ल्यू एच बर्ड जब रहे तो हाउ, यू सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो मी के लिए आई हो जाएगा, एम इज आर का वाजबर होता लेकिन वाजबर रहे तो हैड बीन हो जाएगा, तो हैड बीन, बाकी रेस्ट पार्ट लिख दीजिए प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। आइए दो तीन एग्जांपल और क्लियर करके इसको लास्ट करते हैं डियर स्टूडेंट। हाय डियर स्टूडेंट, देखते हैं ये एग्जांपल लास्ट होंगे, उसके बाद फिर आप लोग है ना अपना प्रैक्टिस कीजिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, आपका रिप्लाई हम देंगे, ठीक है। अब देखिए ही सेड फिर डब्ल्यू एच वर्ड से, ये क्या है आपका भी टू, कुछ ऐसे भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है जिसमें कोई चेंज नहीं होता, हु वेंट देयर का हु देयर वेंट सेंटेंस नहीं होगा, तो इसका एसर्टिव सिर्फ बन जाएगा हु वेंट देयर, यानी क्वेश्चन मार्क को सिर्फ फुल स्टॉप कर देंगे, तो ही के लिए ही हो जाएगा, सेड के लिए क्या कर देना है आज इन्वर्टेड कॉमा के लिए सेम डब्ल्यू एच वर्ड हु वेंट क्या हो गया भी टू, भी टू के लिए हैड, भी टू के लिए हैड प्लस भी थ्री करते हैं तो हैड बेंट का होगा गो बेंट गोन, देयर का देयर करते हैं डियर स्टूडेंट, जो समझ रहे होंगे उनका स्टेप बिल्कुल क्लियर लग रहा होगा। फिर इसका एसर्टिव बना लिए हु आर यू का हो जाएगा हु यू आर व्हाट डू यू वांट, केवल इसमें क्या कर देंगे डू रिमूव कर दिए, डू डज डिड जब बिना नोट के रहे तो बिल्कुल भी उसको डू और डज और डिड को रिमूव करने से हिचकिचाइए नहीं, बिल्कुल सही होगा, गलत होगा आप हमको याद कर लीजिएगा। दे आस्ट का आस्ट हो जाएगा मी का मी हो जाएगा इन्वर्टेड कॉमा के लिए सेम डब्ल्यू एच वर्ड हु, यू सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट मी के लिए आई, एम इज आर का वाज हो जाएगा एंड का एंड, व्हाट का व्हाट हो जाएगा, यू फिर से क्या हो गया डियर स्टूडेंट सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट मी हो जाएगा, बांट है भी वन का भी टू, हर एक स्टेप को देखना, जब सब्जेक्ट के तुरंत बाद कोई वर्ब दिया हुआ रहे तो मानिए जरूर उसमें कुछ ना कुछ चेंज होगा, अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ रहे तो सिर्फ वो हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा वर्ब नहीं, लेकिन डायरेक्ट मेन वर्ब रहे कोई सब्जेक्ट के बाद तो वो ऑटोमेटिक 100% चेंज होना ही होना, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट और लास्ट इसका एसर्टिव व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम हेयर का हो जाएगा व्हाट द मेन प्रॉब्लम इज हेयर, बट द मेन प्रॉब्लम हेयर इज, ये करना है आपका, इसका एसर्टिव बन गया, अब बनाना है ही के लिए ही, सेड के लिए क्या करना है आस्ट करना है, इन्वर्टेड कॉमा के लिए सेम डब्ल्यू एच वर्ड व्हाट, ठीक है अब उसको नहीं देखना है जो एसर्टिव बना है उसको देखना है, आप लोग भी ये गलती नहीं कीजिए, व्हाट द मेन प्रॉब्लम हेयर का
देयर, एम इज आर का वाज वर, तो वाज हो जाएगा। इस प्रकार से डियर स्टूडेंट यहाँ पे है ना, ये आपका नरेशन बेस्ड जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस और डब्ल्यू एच वर्ड था इसको हम लास्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट में जरूर मिलेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस लेकर है ना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लेकर और भी जो इंपरेटिव सेंटेंस लेकर, जो भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट होगा आपको बिल्कुल ये करना है। पार्ट वाइज कर दिया, स्टूडेंट्स का कमेंट आया सर वीडियो थोड़ा लंबा चल जाता है तो अपसेट माइंड हो जाता है, बिल्कुल वैसे करने की जरूरत नहीं है। अब छोटा छोटा पार्ट ही जाएगा, आप बढ़िया से करें है ना। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।